अरे बोलो सर, जब तक ये चीज़ें तो आपने हमें बताई वो दिमाग में रहेंगी, या जब तक हम जो मॉड्यूल जो हमें कहता है पढ़ते हैं एक हफ्ते तक तो सब ठीक रहता है सर, उसके बाद जब पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर सब एक निकल जाता है ना सर, फिर दोबारा से वही चीज़ें आ जाती हैं सर, क्योंकि ये चीज़ मैं आपकी वीडियो एक दिनों में पहले तो मेरे सर ठीक हो गया था, फिर सर ये प्रॉब्लम है सर अटैच में, मैं घर जाता हूँ सर आगे का मन नहीं करता सर, मेरा भी आने का मन नहीं करता, मैं भी ऐसे ऐसा नहीं कि जिनके साथ मैं रहता हूँ बुरे लोग हैं या फिर मेरे साथ अच्छा नहीं रहते सब बड़ी है सर, बट यहाँ पे सर घुटन सी होती है, कई बार आपकी नींद भी आती है सर, मतलब जब मैं पहुंचा था हॉस्टल आईआईटी में तो मैं दिन गिनता था कि फ्राइडे शाम 5 बजे और मैं भागूं घर की तरफ, और तुमको देख के लगेगा नहीं मैं पहले सेमेस्टर में जब घर से लौटता था तो मुझे इतना बुरा लगता था कि पूछो मत, मंडे मॉर्निंग यूज्ड टू बी हेल, वो बाद में लगने लगा था। तो तुम्हारे लिए फिर बैरियर्स कम है, बहुत अच्छी बात है ये। और तुम्हें मज़ेदार बात बताता हूँ, मुझे आज भी बहुत चीज़ों में बहुत बुरा लगता है, अटैचमेंट हो जाता है जल्दी से हो जाता है, जब कोई बैच होता है चल रहा होता है और मुझे उससे पता होता है कि अब आखिरी बार मिल रहा हूँ, अब इनके लिए कोर्स ख़त्म हो रहा है, तो उस दिन एक अलग सेंसेशन होता है कि अब ये लोग नहीं मिलेंगे दोबारा, लेकिन उसकी वजह से मुझे जो करना है मैं उस पर अंतर नहीं आने देता, अटैचमेंट है लेकिन साथ में अंडरस्टैंडिंग भी है, अटैचमेंट है, इस ब्रेन का नेचर है अटैच हो जाना, ब्रेन का नेचर है अटैच हो जाना, वो अटैच होके रहेगा। मेरी एक कार थी जो मेरी पहली थी, वो 10 साल पुरानी हो गई थी और बड़ा दिक्कत करती थी, 2-3 बार उसकी वजह से मुझे खड़े होना पड़ा था गर्मी में, और मैं उसको बेच नहीं रहा था, पूछो क्यों, अटैचमेंट, टालता रहा, आखिरकार एक दिन उसको मैंने डिस्पोज कर ही दिया। अटैचमेंट तो उठेगा, पक्का है, जिस दिन तक जिंदा हो अटैचमेंट रहेगा, तो अटैचमेंट से नफरत की कोई बात नहीं है, अटैचमेंट कोई गंदी चीज नहीं है, हाँ अंडरस्टैंडिंग ना होना बड़ी बेवकूफी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी तुमने दूसरी बात कही कि जब तक तो कोर्स का मॉड्यूल चलता है या वीडियो वगैरह देख लिया तब तक ठीक है, फिर बातें भूल जाती हैं, अगर वाकई तुम्हें कुछ चेंज चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो अभी अपनी हालत है वर्तमान, ये कैसे ऐसी हो गई, हम अभी जैसे हैं ऐसे क्यों हैं, वॉट ब्रिंग्स अस टू दिस प्रेजेंट स्टेट, हम अभी जैसे हैं ऐसे क्यों हैं, जल्दी बोलो, हम अभी जैसे हैं ऐसे क्यों हैं, हाँ कंडीशनिंग, और वो कंटिन्यूसली ऐसी हुई है ना, हमारी लगातार एक तरह कंडीशनिंग कहाँ से आती है, सारे फॉरेन एलिमेंट से, ये जो इन्फ्लुएंसेस हम पे काम कर रहे हैं यहाँ से आती है, अगर ये एलिमेंट्स तुम पर लगातार काम करते ही रहें तो क्या तुम कभी कंडीशनिंग से फ्री हो सकते हो, बोलो ना, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम पिछले 10 साल से कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जो तुमको बीमार रखे हुए है, तुम पिछले 10 साल से अननोइंगली कोई ऐसी डाइट ले रहे हो, कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जो तुमको बीमार रखे है, डॉक्टर पूरा एनालिसिस कर लेता है, उसका डायग्नोसिस तुमको बताता है कि तुम ये गड़बड़ खा रहे हो और इस कारण तुम बीमार हो, और डॉक्टर तुमको क्लिनिक में एक इंजेक्शन भी लगा देता है, तुम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलते हो, तुम दोबारा वही खाना शुरू कर देते हो जो 10 साल से खा रहे हो और जिस कारण तुम 10 साल से बीमार हो और जिस कारण तुम्हारी ये स्थिति आ गई है, तो क्या होगा,
बताओ तो क्या होगा? बात समझ रहे हो? तुमको अच्छे से पता है कि तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग कौन कर रहा है, ये जो बाहर भीड़ है, ये जो शोर आ रहा है। तुम अगर वापस निकल के दोबारा इसका हिस्सा बन जाओगे तो ये कोर्स तुम्हारी मदद कैसे कर पाएगा? तुम अगर इन्हीं लोगों जैसे दोबारा हो जाओगे तो ये कोर्स तुम्हारी मदद कैसे करेगा? कोई भी डॉक्टर जब तुम्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, कोई मेडिसिन देता है, तो साथ में ये भी बताता है कि इसमें क्या नहीं खाना है। जो उसने मना कराया खाने को, तुम वही खाना शुरू कर दो तो उसकी मेडिसिन काम कैसे करेगी? जो चीज तुमको बीमार रखे हुए है उससे थोड़ा तो दूर होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। तुमको बीमार रखे है तुम्हारी बेहोशी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर निकलो तो इस कॉरिडोर में मत चलो, तुम और चलोगे कहां? इस कॉरिडोर के अलावा तुम्हें चलना तो यहीं पर है, और पूरी दुनिया पे तुम्हारा कंट्रोल तो है नहीं कि मैं चल रहा हूं सब चुप हो जाओ, साहब जब निकलते हैं यहां से तो पूरी शांति हो जाती है, ऐसा तो कर नहीं पाओगे। इतना कर सकते हो कि अब जब चलो तो थोड़े होश में चलो, तुम्हें पता रहे कि ये मैं करके आ रहा हूं। तुम्हें किस चीज ने कंडीशन कर दिया? बेहोशी तो तुम्हें कंडीशन करती है ना। जो कुछ भी तुम इंटेलिजेंस से गुजारे बिना अपने तक आने दोगे वही तुम्हारी कंडीशनिंग बन जाएगी, बात पक्की है। जानते ही हो कि नहीं जानते हो? तो उस प्रोसेस को अब बंद करो। अगर वाकई ये चाहते हो कि मैं स्लिप बैक ना करूं, मैं जैसा अभी तक रहा हूं उससे अलग कुछ हो सके, तो कुछ अलग करना भी तो पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा जो है वो बड़ी अजीब है, और तुम्हारी ही नहीं, जितने भी बैचेस से मिला हूं उन सब ने एक बड़ी मस्त डिजायर एक्सप्रेस करी है हमेशा, सर हम जैसे चलते हैं हम तो ऐसे ही रहे, हमारी जिंदगी बिल्कुल ना बदले पर फिर भी हम बदल जाएं, ये कैसे होगा? सर हम वही काम करते रहे जो हमने आज तक करे हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहे, उन्हीं तरीकों पे चले जो हम चलते रहे हैं, वही वेबसाइट्स देखें, वही किताबें पढ़ें, उसी तरीके से टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिर भी हम अवेयर हो जाएं, हम फ्री हो जाएं, जॉयफुल हो जाएं और लविंग हो जाएं, कैसे हो पाओगे? जब सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पास्ट में रहा है तो फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा जैसा पास्ट रहा है, क्या ये बहुत सीधी सी बात नहीं है? अगर तुमको उन्हीं तरीकों से चलना है जैसा आज तक चलते आए हो तो आगे भी वैसे ही रहोगे जैसे आज तक रहे हो, बहुत सीधी सी बात है कि नहीं है? पर तुम कहते हो नहीं, हमें वही खाना है जो हमने आज तक खाया, पर हमारी हेल्थ चेंज हो जानी चाहिए, हम आज तक जिम नहीं गए अभी भी नहीं जाएंगे, हम आज तक जैसा खाना खा रहे थे हम आज भी वही खाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, कैसे होगी? कुछ बदलना तो पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? जिम भी जाना पड़ेगा और डाइट भी बदलनी पड़ेगी, तभी कुछ अंतर आएगा हेल्थ में। अपनी डाइट बदलने को तैयार हो? डाइट जानते हो क्या होती है? सिर्फ जो खाते हो वही डाइट नहीं है, जो आंखों से देखते हो वो भी डाइट है, जो पढ़ते हो वो भी डाइट है, जो सुनते हो वो भी डाइट है। डाइट बदलने को तैयार हो? नहीं, ये अटैचमेंट कहलाता है कि दिख रहा है साफ साफ कि नुकसान हो रहा है तब भी छोड़ा नहीं जा रहा, दिख रहा है साफ साफ कि नुकसान है तब भी छोड़ा नहीं जा रहा। तुमको अच्छे से दिखता है कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं सर्किल में जो एजेंट हैं बेहोशी के, जो अगर तुम्हारे पास हैं तो ये पक्का है कि तुम भी बेहोश होके रहोगे। तुम कंटेम्पलेटिव होगे भी, तुमको अचानक कुछ समझ में आना भी लग रहा होगा और वो आ जाएगा तुम्हारे पास, चलो ये क्या कर रहा है फालतू बैठा है शांति, बीमार है क्या, टेंस लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है, तुम शांत बैठे होगे, वो तुमसे कहेगा तू टेंशन में है इसीलिए ऐसा है। वो चाहता ही है ये हर समय कि तुम ब्राउनियन मोशन करते रहो ऐसे ऐसे। अगर तुम जरा से भी ठहर गए, स्थिर हो गए, तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब ऐसा बंदा अगर तुमने अपनी जिंदगी में पाल रखा है तो कहां से तुम्हें मिलेगा लव और कहां से मिलेगा तुम्हें जॉय?
अगर इस बंदे का भला चाहते हो तो खुद भी बदलो और उसको भी बोलो कि तू भी बदल, और अगर नहीं बदल सकता है तो भाई कुछ समय के लिए मुझसे दूर रहे। तेरी मेरी भलाई दोनों की इसी में है कि हम दोनों ही बदलें। ईमानदारी से बताओ, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि नहीं? अगर तुम शांति से बैठे हो तो क्या करेंगे? वो भी तुम्हारे बगल में शांत होकर बैठ जाएंगे तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं तो यार डिप्रेस लग रहा है, चल दारू पी के आते हैं कि नहीं? ऐसे तुम बाहर जाओ और लॉन में चुपचाप बैठ जाओ, और बड़ी कीमती चीज होती है थोड़ी देर चुपचाप बैठना अकेले। कभी अकेले बैठा है? ब्रेकअप हो गया क्या? अब ऐसे बंदे को तुम अपनी जिंदगी में क्यों रखे हुए हो? और अगर वाकई उसके दोस्त हो तो उससे बोल कि भाई तू बीमार है, यू आर सिक, यू आर डिजीज्ड, यू शुड गेट वेल एंड आई शुड गेट वेल, एंड इफ वी आर रियली फ्रेंड्स देन वी शुड हेल्प ईच अदर गेट वेल, नॉट कीप ईच अदर मोर सिक। हमारा जो रिश्ता है ना वो म्यूचुअल सिकनेस का है, तू भी बीमार रहे और मैं भी बीमार रहूंगा, ये कौन सा रिश्ता है? अब अगल बगल बैठे हुए हो, कई है तुम में से ऐसे जिनका एजेंडा यही है कि मैं तो नहीं सुन रहा, बगल वाला तू कैसे सुन रहा है? अब ऐसे बंदे को तुमने बगल में बैठा रखा है, हाँ, और फिर पूछते हो कि सर मैं भूल क्यों जाता हूं? जहर अपनी जेब में रख के चल रहे हो और पूछ रहे हो सर मैं बीमार क्यों रहता हूं? हाँ, घर जाते हो वही टीवी सीरियल्स, वही वेबसाइट्स। अगर सब कुछ वही चलेगा तो तुम कैसे बदल पाओगे? वही सब कुछ जो है वही, उसी ने तुम्हारी कंडीशनिंग करी है। और मुझे पक्का पता है तुम में से कई होंगे वो जो घरेलू किस्म की टीवी सीरियल देखते हैं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीजन्स देखा है सर? सीजन्स भी घरेलू ही हैं, बस वो अंग्रेजी में घरेलू हैं। भाई सर, सास बहू नहीं होती ना? सास बहू नहीं है वहाँ, दूसरे तरीके का मामला है, पर उसमें भी कोई बहुत अवेयरनेस की बातें नहीं है। वो उस सबसे बेहतर है जो यहाँ चलता है, पर उससे भी बेहतर कुछ है, उससे भी बेहतर कुछ है। हाँ ये भी है पक्का, मैं जानता हूँ तुम में से बहुत होंगे जो आस्था वगैरह भी देखते होंगे। अब देखते तो तुम आस्था और संस्कार, और फिर कहो कि सर मेरी जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? जो देखने हैं तुमको आसाराम बापू और निर्मल बापू, हाँ, और फिर कहते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा होगा, इंटेलिजेंटली तुम दुनिया के प्रोसेसेस को समझ भी रहे होगे, और एक लेक्चर तुमने सुन लिया निर्मल बापू का, उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में आएगा? बोलो कुछ आएगा समझ में? और अभी तो तुम हाथ नहीं उठाओगे, तुम्हें शर्म आएगी, लेकिन मुझे पता है सास बहू वाले सीरियल भी तुम में से देखते होंगे कुछ लोग। तुम्हारे बस में नहीं है यार, तुम घर जाते हो टीवी चल जाता है, घर वाले को देखना तुम भी देखते हो साथ में, डिनर टेबल टीवी के सामने रखी हुई है और टीवी में चल ही वही रहा है, तुम्हें भी देखना पड़ेगा वही FM चैनल, वही सुन रहे हो तुम वो उसकी RJ की और सुन रहे हो कि नहीं? तुम में से फोर व्हीलर कितने लोग ड्राइव करते हैं? और जब फोर व्हीलर चल रहा होता है, ईमानदारी से बताओ साथ में FM चल रहा होता है कि नहीं? वो गाने कौन से हैं? हाँ, क्रेजी फ्रॉग सब चलता है। ये जो रैंडमनेस है इसी ने हमें रैंडम बना दिया है।
सब नहीं चल सकता। ये जो तुम्हारे कान में पड़ रहा है ना गाड़ी के चलते समय, यही तुम्हारी डाइट है, उसी को तुम खा रहे हो, उसी से तुम्हारा दिमाग बन रहा है। मुंह से जो खाते हो उससे शरीर बनता है, और आंखों से और कान से जो खाते हो उससे दिमाग बनता है, उसी से दिमाग बन रहा है तुम्हें। हाँ, सीडी प्लेयर है ना उसमें, तभी तो चल रहा है। उसमें सीडी कुछ और भी लग सकती हैं, और तुम में से जिन लोगों को जानना हो कि तुम में से जिन लोगों को वाकई ईगरनेस हो जानने की कि गाड़ी में कैसी सीडीज लग सकती हैं, वो इस सेशन के बाद आएं। मेरी भी गाड़ी बाहर खड़ी है और उसमें हर समय 20 सीडीज रहती हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि और डाइट भी कैसी हो सकती है। तुम्हें गाने सुनने का मन नहीं है, वो गाने सुन सुन के तुम्हारा मन वैसा हो गया है। तुम्हें अगर बचपन से ही फालतू रोमांटिक गाने सुनाए जाए तो तुम्हारा क्या सुनने का मन करेगा हर समय? तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें मन ही समझ में नहीं आ रहा कि मन आता कहाँ से है, मन कहाँ से होता है। मन कुछ नहीं है, तुम खाली स्लेट पैदा होते हो। मन बनता ही कंडीशनिंग से है। तो इसीलिए ये तर्क कभी मत देना कि मेरा मन कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट है। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी तुम्हारा नहीं है, दोनों ही कंडीशनिंग से आए हैं, बाहर से आए हैं। वो जो सीडीज है वो मेरी अतीत से नहीं आ रही है, मेरी कंडीशनिंग से नहीं आ रही है। मुझे बड़ी मेहनत लगी है उनको खोजने में, रेयर है। वो ऐसा नहीं है कि एक एफएम चैनल चल रहा है जिसको 1.5 करोड़ लोग सुन रहे हैं। पसंद का क्या अर्थ है? पसंद का क्या अर्थ है? हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो क्या संभावना है? आइस हॉकी पसंद होगी या क्रिकेट? और अर्जेंटीना में पैदा हुए हो तो क्या संभावना है? फुटबॉल पसंद होगी या क्रिकेट? पसंद का क्या मतलब है भाई? अभी बता रहा हूँ, अभी भी सुन नहीं रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हारा मन अपना होता है, ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने पसंद, ये बाहर से आते हैं। अभी मैं तुमसे कहूंगी लिखो अपनी अपनी फेवरेट डिश और 5 आइटम्स, और 75% कॉमन आइटम्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब मुझे बताओ कि ये अलग अलग लोगों की पसंद एक सी क्यों है? अगर लोग अलग अलग हैं और यूनिक हैं और हम सब यूनिक हैं, तो हमारी पसंद एक सी कैसे हो गई बताओ? क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग ही यही खाने की हुई है। अब बोल रहे हो मेरी पसंद है आलू, अबे तुम पसंद है आलू, ठूसा गया आलू। अब बोल रहे हो मेरे को पसंद है आलू। फ्रांस में इतनी सब्जियां होती हैं जिनका तुमने नाम ही नहीं सुना, तुम्हें पसंद कैसे आएंगी? फिर बोलते हो पसंद है, पसंद नहीं है भाई। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर देखो कि तुम्हें नापसंद भी वही होगा जो तुमसे एक्सपोज्ड है। जब मैंने कहा कि मन तुम्हारा नहीं है, मन में दोनों चीजें होती हैं, लाइक्स एंड बोथ कम फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड व्हिच इज आउटसाइड योर एनवायरनमेंट व्हिच यू डू नॉट नो ऑफ। तो अपनी लाइक्स को और अपनी डिसलाइक्स को बहुत सीरियसली मत लो। तो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हो ना ज्यादातर लोग, करते हो कि नहीं? नहीं बोलने के लिए मत बोलो। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अभी पूछा जाए कि पाकिस्तान को लाइक करते हो डिसलाइक, तो 75% लोग क्या कहेंगे? डिसलाइक। पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो भी पाकिस्तान को डिसलाइक करते? तुम्हारी डिसलाइक कहाँ से आ रही है? तुम्हारी डिसलाइक कहाँ से आ रही है कि यहाँ पैदा हुए हो और बचपन से ही देख रहे हो, सुन रहे हो, फिल्में देख रहे हो, बॉर्डर मूवी देख ली और कहानियां सुन ली, और सनी देओल कह रहा है कि घुस के मारूंगा कुत्तों, और तुम डिसलाइक कर रहे हो। अब तुम बोलो मैं पाकिस्तान को डिसलाइक करता हूं, तुम थोड़ी डिसलाइक करते हो, तुम्हें सिखाया गया है डिसलाइक करना, ये डिसलाइक भी तुम्हारी नहीं है। तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ना हमारी लाइक्स हमारी अपनी है और ना हमारी डिसलाइक्स हमारी अपनी है। हम मशीन की तरह है बिल्कुल, जो हमें फीड कर दिया गया वही करे आ रहे हैं, आलू 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 आलू। और तुम्हें पता है आलू भारतीय सब्जी है ही नहीं, अब दिल टूट जाएगा बिल्कुल। आलू एक विदेशी सब्जी है जो भारत में सिर्फ कुछ 100 साल पहले लाई गई है, वरना भारत में आलू नहीं था। आज जो आलू तुम्हारी हर सब्जी में मौजूद होता है वो आलू भारत में कभी था ही नहीं, अभी लाया गया है। और आज बोलते हो आलू, इंडिया माने आलू।
ये जो प्याज और जो ये तुम टमाटर खाते हो, ये भी अभी अभी लाए गए, कोई पोर्टुगीज लेके आए, कोई इंग्लिशमैन लेके आए, ये सब भारत में होते थे। भारत में साग होती थी, अलग अलग तरीके की साग हमारी स्टेपल डाइट वो थी, ना आलू ना टमाटर, ये सब बाहर से आए हैं और अभी आए हैं कुछ सौ साल पहले। अब बोलते हो पसंद है बहुत, जो देखते आ रहे हो वही पसंद है, जो नहीं देखते आ रहे हो नहीं पसंद है, कुछ और देखते आ रहे हो तो बिल्कुल वही पसंद आ जाता है। कुछ ऐसा भी तो करो ना जो एनवायरनमेंट से नहीं आया है और अपना है, तब मजा आएगा, तब महसूस करोगे कि आज मैं जिंदा हूं, आज मैं जिंदा हूं। अभी तो मशीन की तरह मामला चल रहा है और उसे बहुत मजा आएगा, वो अलाइवनेस की फीलिंग होती है असली, नाउ आई एम रियली अलाइव, फिर ऐसी मरी मरी सी शक्ल नहीं रहेगी, कोई तो उठा दो। ये फंडामेंटल्स है माइंड, इनको समझ लो, उसमें जो कुछ है एवरी बिट ऑफ इट इज कंडीशन, एक एक कंटेंट उसका कंडीशन है। तो इसीलिए अपनी लाइक्स डिसलाइक्स इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट पैशन इनको बहुत सीरियसली मत लेना, यहां तक कि जिसको तुम अपना प्यार भी बोलते हो वो भी कंडीशनड है। बड़ा मुश्किल है कि तुमको किसी निग्रोइड लड़की से प्यार हो जाए, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल है कि कोई बिल्कुल निग्रोइड फीचर्स की लड़की हो और तुम्हें उससे प्यार हो जाए, कोई नहीं पाएगा तुम्हें, करीब करीब असंभव है, क्योंकि तुम्हारी पूरी कंडीशनिंग कर दी गई है कि इस तरह का रंग होना चाहिए और ऐसे फेशियल फीचर्स होने चाहिए। तुमको पसंद आ ही नहीं सकती निग्रोइड लड़की, वो मिस नाइजीरिया हो सकती है पर तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तो जिसको तुम अपना प्यार भी बोलते हो ना कि लव एट फर्स्ट साइट, वो भी पूरी तरह कंडीशनिंग का गेम है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग है कि ऐसा ऐसा चेहरा जब दिखे तो फिसल जाओ, ऐसा चेहरा हो ऐसा फिगर हो पहले से ही फीड है, पूरी फीडिंग रेडी बैठी है, दिखा नहीं कि फिसले। खाली बैठ के करेंगे क्या? और किसने कह दिया कि लगातार कुछ करते ही रहना चाहिए? और दिमाग चलता रहता है और तुम क्या करते हो? तुम तो रुक सकते हो ना, दिमाग को चलने दे सकते हो। हमने कहा था अटैचमेंट रहेगा पर साथ में अंडरस्टैंडिंग रहे, दिमाग चलता रहे तुम शांत हो सकते हो। अभी बोल रहा हूं तो होंठ तो चल ही रहे हैं और साथ में मैं भी चलने लग जाऊं, मन तो शांत रखना पड़ेगा ना, शब्द भले चल रहे हो मन को शांत रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, अभी हो रहा है। और सोचो कि जैसे शब्द चल रहे हैं वैसे ही ये माइंड भी चलना शुरू कर दे, फिर इस सेशन का क्या होगा? फिर ये सेशन कैसा हो जाएगा? यही मजेदार चीज है जिंदगी के बारे में, बाहर बाहर सब कुछ चलता रहे अंदर अंदर सब कुछ ठहरा हुआ रहे, बाहर सब चलता रहे भीतर सब ठहरा रहे। समझ में आ रही है बात? बाहर तो जोर से चलता रहे यार, क्रिकेट खेल रहे हो और रन ले रहे हो तो क्या ठहर ठहर के चलोगे? हाँ, या एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो क्या हौले हौले लिखोगे? बाहर तो जो होना है वो जोर से हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बिल्कुल स्थिरता रहे, साइलेंस स्टिलनेस, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना मुश्किल लग रहा है क्या जितना तुम शक्लें बना रहे हो? ये उतना मुश्किल है क्या? हाँ, या दो बैट्समैन है ठीक से बताना, बहुत तुमसे प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछ रहा हूँ, ठीक है?
टारगेट है कि अगले 7 ओवर में 110 रन चाहिए, तो गेंदे हैं 42 और रन ठोकने हैं 110, और सीरीज अभी तक बैलेंस चल रही है 2-2, फाइनल मैच है सीरीज का, जो ये मैच जीतेगा वो सीरीज भी जीत जाएगा। दोनों बैट्समैन में से एक तो है जो फिजिकली खूब एक्टिव है, तेजी से मूव भी कर रहा है, विकेट में शफल भी कर रहा है, शॉट भी मार रहा है, रन भी पूरी स्पीड से ले रहा है और डाइव भी कर रहा है, लेकिन भीतर से शांत है। और दूसरा है जो भीतर से एकदम हिला हुआ है, उसका शरीर ही नहीं हिल रहा, उसका मन भी हिल रहा है और दुनिया भर के थॉट्स आ रहे हैं उसको, अगर हार गया तो टीम से निकाल दिया जाऊंगा, फैंस मेरा घर ना जला दे कहीं, वो गर्लफ्रेंड बैठी है वो क्या सोचेगी, मैं फुद्दू रह गया। इन दोनों में से कौन है जो टीम को जिताएगा? तो बात बहुत सीधी है, अगर जिंदगी में भी जीत हासिल करनी है तो यहां पर बिल्कुल स्टिल होना पड़ेगा, एकदम शांत। अगर जिंदगी में भी ग्रेट मूवमेंट चाहिए तो यहां पर सेंटर पर ग्रेट स्टिलनेस चाहिए, उसके बिना ग्रेट मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तुमने कई बॉलर्स को देखा है, जो ये नए नए नौसिखिए बॉलर्स आते हैं, जब इनके प्रेशर पड़ता है तो ये वाइड बॉलें करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जब दिमाग हिलता है तो फिर हाथ भी हिल जाता है। अब लाइन ये रखनी थी, दिमाग ऐसा हिला हुआ है कि लाइन ये हो गई, वो लेग स्टंप की वाइड हो गई, कीपर की पकड़ में नहीं आई, पीछे 4 रन, और ये अपने आप को बहुत बकअप कर रहा था, ये बॉल बहुत अच्छी डालनी है, और दी उसने मजेदार फुल टॉस, वो यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा था चालाकी में अपनी, दी उसने मस्त फुल टॉस घुटनों की हाइट पे, और फिर क्या होगा उसका? और कभी ध्यान देना कि अगर 50 ओवर का मैच है तो उसमें 45 ओवर तक आमतौर पे कोई फुल टॉस डालता ही नहीं, सारी जो फुल टॉस पड़ती हैं वो आखिरी के ओवर में पड़ती हैं, जबकि अगर 20वें-25वें ओवर में फुल टॉस पड़े तो शायद उस पर छक्का नहीं भी पड़ेगा, बैट्समैन हो सकता है उसको डिफेंसिवली भी 1-2 रन के लिए निकाल दे, पर आप फुल टॉस डालते भी तभी हो जब पता है कि छक्का पड़ेगा। ये होता है जब दिमाग कंट्रोल में ना हो, जब दिमाग हिला हुआ हो। बहुत होता था, श्रीनाथ रिटायर हो गया अंत तक उसको यॉर्कर डालना नहीं आया, और जब भी यॉर्कर डालता तो फुल टॉस ही डालता था। जिसको जिंदगी में भी सक्सेस पानी हो उसको यहां पर बहुत समझदार होना पड़ेगा, वेरी स्टिल, वेरी अवेयर। ऐसे हिलते डुलते लोगों से दुनिया नहीं चलती है कि बाहर निकले अभी हिलना डुलना शुरू कर दिया, ऐसे अभी तुम करने वाले हो, ये कैमरा फालतू ही मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, इसे तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए कि यहां पर कैसे हो और अभी बाहर निकलते ही क्या करोगे, अभी अपनी शक्लें देखो, वाकई देयर इज अ स्टिलनेस, पर भी देखना बाहर निकलते ही और फिर पूछते हो कि मैं रिटेन क्यों नहीं कर पाता। बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं रिहैबिलिटेशन के, नशा मुक्ति केंद्र, तो ये जो क्लास है ना, ये एक नशा मुक्ति केंद्र है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ भी बोतल अंदर लेके आते हो, अब बोतल जेब में रख के नशा मुक्ति केंद्र में आ रहे हो तो नशे से मुक्ति होगी कैसे? इतना बड़ा यहाँ अभी बाहर निकलते ही अंदर। जिनके पास नहीं है उनके पड़ोसी के पास है, बे ले यार तू, दोस्त होते किस लिए हैं? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, दोस्त होते इसीलिए एक दूसरे को नशे में रखें।